बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कराची हैदराबाद में सुबह सिंध वालों हो जो तैयार। महकमा मौसमियात वालों ने बारिशों के हवाले से एक बार फिर बहुत बड़ी पेशगोई कर दी है। आज और आने वाले दिनों में कराची हैदराबाद में सुबह सिंध का मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ और आंधियों के साथ बारिश के इम्कान होंगे और बारिश का नया ताकतवर सिलसिला कराची हैदराबाद समेत सुबह सिंध के अंदर कब से दाखिल होगा और कितनी बारिशें होंगी, सिंध के मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन नाजरीन, सिंध के मौसम की ताज़ा तरीन तफसीलात में जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि सिंध के मौसम के हवाले से लम्हा ब खबर रहने के लिए हमारे चैनल वेदर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, महकमा मौसमियात और वेदर इन्फो की पेशगोई के ऐन मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कराची हैदराबाद समेत सुबह सिंध के अक्सर इलाकों का मौसम तब्दील हो चुका है। इस वक्त आप इस वेदर मॉडल में लाइव देख सकते हैं कि सुबह सिंध के चंद इलाकों में गरज चमक वाले बादल दाखिल होना शुरू हो चुके हैं और कराची हैदराबाद समेत सुबह सिंध के बाद इलाकों में भी गहरे स्याह बारिश बरसाने वाले बादल दाखिल हो चुके हैं। जिस तरह हमने पेशगोई की थी कि आज शाम रात से बारिश का सिलसिला थार के रास्ते सिंध में दाखिल होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बारिश के नए सिलसिले से इंशाअल्लाह ताला आज शाम रात से सिंध की सैली पट्टी, बदीन, ठट्ठा और कराची के मुख्त इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला दाखिल होगा। इसके साथ साथ थरपारकर, बदीन, ठट्ठा और कराची के मुख्त इलाकों में कहीं हल्की से दरमियानी और कहीं कहीं तेज़ बारिश का खतरा मुमकिन है। और नाज़रीन, ये बारिश का नया सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आज शाम रात और कल तक सिंध के बेशतर इलाकों तक फैल जाएगा और आज शाम रात से मीरपुर खास के अक्सर इलाकों में और हैदराबाद के ज़्यादातर इलाकों में और सेंट्रल सिंध के इलाकों में और अचड़ो थार समेत सांगर, नवाबशाह और टंडो आदम के गिरदनवा में भी तेज़ बारिशों का इम्कान है और कल यानी 3 जुलाई से मजीद तेज़ मौसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। बाकी आज शाम रात से बारिश के इम्कान 100 में से 100% हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जहां भी दे खैर की बारिशें दे और हम सबको अपनी हिफ्ज व अमान में रखे। बाकी मौसम के हवाले से, बारिश के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वेदर इन्फो।